नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइंड ट्रेड लिमिटेड के शेयर को लेके। यहाँ पे जो है कुछ अपडेट जो है ऑलरेडी आप लोगों को वो अपडेट ऑलरेडी पता रहेगा। ये छोड़ के भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन निकाला ये स्टॉक के बारे में वो शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको एक ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल बुकिंग या आप स्टॉक से, तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखे रखा है, ज़रूर एक बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। तो दोस्तों, ऐसा जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिला है जहाँ पे हम लोग को पता है कि माइंडट्री का जो अभी अपडेट आया है उसमें से बहुत जन का आप लोगों को वो पता रहेगा, आपने देखा रहेगा। ये छोड़ के भी हम लोगों ने और भी कुछ इन्फॉर्मेशन रिसर्च किया है, कोशिश करेंगे एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके सबको शेयर करने के लिए। और आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी हम लोग ऐसा कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन है देते हैं तो हम लोग देखते हैं जो वो आपके लिए जो है इन्फॉर्मेशन अच्छा है क्या, क्योंकि हमें पता है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं कोई भी स्टॉक में तो आप सोच के इन्वेस्ट करते रहेंगे कि वहाँ पर जो आपको थोड़ा मुनाफा मिल जाए। तो इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं दोस्तों, जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, अच्छी तरह से खुद से भी एक बार रिसर्च कर लीजिए। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आप खुद से भी एक बार ज़रूर देखिए जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अभी स्टॉक में क्या चल रहा है इतने दिन से और आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 6 महीना पहले से अगर देखते तो 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस था 1341.75 पैसा। 6 महीने के अंदर स्टॉक ने रिटर्न दिया है 52.44% का। 1 मंथ पहले देखेंगे तो 1 मंथ पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 1998.90 पैसा। 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने रिटर्न दिया है 2.30% का। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आईटी सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स में जो है हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। और विप्रो का बारे में अगर देखेंगे तो विप्रो का हम लोगों ने एक दिन पहले जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, आप देख सकते हो विप्रो में जो एक तेज़ी बनता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आईटी सेक्टर्स के जो है अभी यहाँ पे माइंडट्री में जो रिजल्ट्स आया है बहुत ही यहाँ पे जो है ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है, बट फिर भी बोल सकते कि ठीक है। और यहाँ पे इन लोगों ने ये भी बताया कि स्टॉक में जो है क्या चल रहा है, तो वो भी देखेंगे आगे। 5 डेज़ पहले का अगर देखते तो 5 डेज़ पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 2229.60 पैसा। 5 डेज़ के अंदर स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिला है। 1 डे का अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिला है, 1 डे पहले का जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले का अगर देखेंगे ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस, स्टॉक ओपन हुआ था 2080 रुपीज़ में, हाई प्राइस दिया है 2124 रुपीज़ का, लो प्राइस दिया है 2043.50 पैसे का। तो यहाँ पे दोस्तों स्टॉक में गिरावट हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे अभी आगे देख लेते हैं स्टॉक में जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स है, जो रिजल्ट्स आया है माइंडट्री का वो देख लेते हैं, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं माइंडट्री का जो Q4 का, मतलब माइंडट्री का जो यहाँ पे Q4 का जो यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि माइंडट्री Q4 रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है फॉल 3% quarter-on-quarter, but beats estimates, company declares dividend of ₹17.5 per share। तो यहाँ पे जो है डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया गया, बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे अगर आगे का इन्फॉर्मेशन देखते तो आप देख सकते हैं मिड कैप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी माइंडट्री रिपोर्टेड 2.8% quarter-on-quarter फॉल इन इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू ₹317.3 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च, व्हिच वाज स्टिल हायर देन एनालिसिस एस्टिमेटेड ₹3,010 करोड़। तो यहाँ पे जो है जैसे कि हम लोग को पता है जब भी कोई स्टॉक में रिजल्ट होता है या फिर कुछ अपडेट आता है तो बड़े बड़े जो एनालिस्ट है, बड़े जो एनालिसिस है, ब्रोकरेज फॉर्म है, वो लोग अपना जो सजेशन है, जो उन लोग का सजेशन रहता है वो भी शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं उन लोग को लग रहा था जो है लगभग जो यहाँ पे बताया जाएगा कि 110 करोड़ के आसपास रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बताया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो उससे ज़्यादा हुआ है, 317.30 करोड़। द कंपनीज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रोज 4.2% ऑन ए सिक्वेंटल बेसिस टू ₹2,109.3 करोड़, व्हिच वाज इन लाइन विद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। एज वी एंटर फाइनेंशियल ईयर 2020, वी कॉन्फिडेंट दैट कंटिन्यूड क्लाइंट डिमांड फॉर आवर ट्रांसफॉर्मेटिव सर्विस ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो माइंडट्री के
सर्विस है उसमें हो सकता है कि आगे और डिमांड देखने को मिल जाए। द कंपनी कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन क्वार्टर फेल 1.1% ऑन क्वार्टर टू ₹462.6 करोड़ यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है। व्हाइल इट्स ऑपरेटिंग मैनेज कॉन्ट्रैक्टेड 120 बेसिस पॉइंट्स टू 21.90%। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा है और बहुत जन को आपको पता रहेगा ये इन्फॉर्मेशन। तो अभी यहाँ पे माइंडट्री शेयर में ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आपको स्टॉक में खरीदारी करना नहीं चाहिए या फिर स्टॉक में आपको खरीदारी करना चाहिए। तो देखिए अभी यहाँ पे माइंडट्री भी ऐसा नहीं है कि अच्छा कंपनी नहीं है। हम लोगों ने अभी ग्राफ में देखा है, थोड़ा समय पहले जो ग्राफ में इन्फॉर्मेशन देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अभी जो है कुछ दिन से स्टॉक में एक गिरावट बनता हुआ दिख रहा है। और जैसे कि अभी यहाँ पे देखा डिविडेंड का जो बात है, डिविडेंड का भी यहाँ पे बात निकल के डिक्लेयर्स किया डिविडेंड 17.50 पैसा पर शेयर। तो यहाँ पे एक डिविडेंड का भी अच्छा इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे चले अभी आगे का जो इन्फॉर्मेशन है स्टॉक के बारे में, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग हमेशा कहते हैं जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसके बारे में जो है पूरा इन्फॉर्मेशन रखने की आप कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे अभी जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला है, यहाँ पे एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग्स रिमेन्स अनचेंज एट 61.03% इन मार्च 2021 क्वार्टर। तो प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है उसमें कुछ भी चेंजेस हम लोग को देखने को नहीं मिला है मार्च 2021 क्वार्टर में। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 7.47% टू 7.60% इन मार्च 2021 क्वार्टर। तो म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं जो अपना होल्डिंग्स है ये स्टॉक में वो बढ़ा दिया है 7.47% से 7.60% कर दिया मार्च 2021 क्वार्टर में। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स डिक्रीज्ड फ्रॉम 27 to 26 इन मार्च 2020 क्वार्टर। FII FPI हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 13.27 to 13.92 इन मार्च 2020 क्वार्टर। तो यहाँ पे देखेंगे तो FII FPI जो उन लोगों ने अपना होल्डिंग जो है बढ़ा दिया है। FII FPI की बात करेंगे तो होल्डिंग जो है यहाँ पे बढ़ा दिया है 13.27% से 13.92% कर दिया मार्च 2021 क्वार्टर में। एंड नंबर ऑफ FII FPI इन्वेस्टर्स इंक्रीज फ्रॉम 295 to 307 इन मार्च 2020 क्वार्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 23.88% टू 24.78% मार्च 2020 क्वार्टर। तो यहाँ पे जो है ये स्टॉक के बारे में कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला है और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये भी एक बार आपके साथ शेयर करते। देखिए अभी आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप माइंडट्री का स्टॉक लेना चाहते हैं या फिर आपके पास है तो एक बार अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए। स्टॉक में गिरावट चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक में आपको मजबूती बनता हुआ नहीं दिख सकता है, तो या फिर ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो एक बार ज़रूर यहाँ पे रिसर्च कीजिए कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले या फिर सेल करने से पहले। हम लोगों ने कोशिश किया माइंडट्री के शेयर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।